हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर न्यू वीडियो ऑफ ई लर्निंग फॉर ऑल। आज हम आपको एक नया यूटिलिटी सॉफ्टवेयर को डाउनलोड एंड इंस्टॉल करना सिखाएंगे। सो आज हम आपको विजुअल स्टूडियो आपको डाउनलोड एंड इंस्टॉल करना आपको सिखाएंगे। सो विजुअल स्टूडियो आईडी जो आपकी जो मेन वेबसाइट है ये ऑफिशियल, यहाँ पर आप क्लिक करके जाइए गूगल पर लिख के। सो ये माइक्रोसॉफ्ट की अपनी ऑफिशियल वेबसाइट है विजुअल स्टूडियो की। सो आप डाउनलोड फॉर विंडोज़, ताकि आप कम्युनिटी हैं, प्रोफेशनल या एंटरप्राइज, इन तीनों में से कोई भी आप कर सकते हैं। सो मैं प्रोफेशनल 2017 में उस पर इंस्टॉल करूँगा। नो थैंक्स। आप देख सकते हैं कि ये हमारा जो है डाउनलोड जो है इंस्टॉल हो चुका है। अब इसको आप रन कीजिए। यस, कंटिन्यू, डाउनलोडिंग होगा अभी। जैसे कि आप देख सकते हैं ये डाउनलोडिंग हो रहा है। तो थोड़ा टाइम लेगा इंस्टॉल होने में। अभी ये खाली डाउनलोड होगा, देन फिर इसको इंस्टॉलर को इंस्टॉल करेगा। इसके बाद ये विजुअल स्टूडियो एक बहुत ही बड़ा टूल है। इसमें आप काफ़ी सारे अपने सीएस से रिलेटेड काफ़ी सारे काम इसमें आप कर सकते हैं। इसमें सीएस जितने भी हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग हो गई, नेटवर्किंग तो नहीं, इसके अलावा हमारे जो डेवलपमेंट सी शार्प, सी प्लस प्लस, देन जावास्क्रिप्ट, काफ़ी हद तक काम हम विजुअल स्टूडियो पे हम कर सकते हैं। सो जब हम इसको आगे लेके चलेंगे, सो मैं आपको दिखाऊंगा कि हम क्या क्या काम इसमें कर सकते हैं और इससे विजुअल स्टूडियो में कौन कौन से बिल्ट इन हमारे पास चीज़ें हैं जो कि हम इंस्टॉल करेंगे। सो अभी तो इसका जो डाउनलोडर है, इंस्टॉलर जो है वो डाउनलोड हो रहा है अभी। इसके बाद इसका इंस्टॉलर इंस्टॉल होगा। तो काफ़ी लंबा प्रोसेस है, काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग सॉफ्टवेयर है ये वन टाइम जब आप इसको करेंगे फर्स्ट टाइम। सो काफ़ी टाइम लगेगा आपका इंस्टॉल होने में विजुअल स्टूडियो। सो जैसे कि आप देख सकते हैं वो 35% हो चुका है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि डाउनलोड होने वाला है। वेरीफाइंग हो रहा है, उसके बाद ये इंस्टॉल होगा, इसका इंस्टॉलर जो है। प्रोसेसिंग कर रहा है। थोड़ा टाइम लेगा ये प्रोसेस जो है इसकी हो रही है प्रोसेसिंग, थोड़ा टाइम लेगा ये। जैसे कि आप देख सकते हैं अब ये इसका इंस्टॉलर अभी रन हुआ है, विजुअल स्टूडियो इंस्टॉलर। तो फ्रेंड, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं विजुअल स्टूडियो प्रोफेशनल 2017, इसके ये वर्कलोड्स हैं यूनिवर्सल विंडोज प्लेटफॉर्म डेवलपमेंट। अगर आप इससे फील्ड से रिलेटेड हैं तो आप सी शार्प, VW, देन फिर जावास्क्रिप्ट एंड C++, .NET हैं यूज़ करते हैं, यानी कि .NET आप ज़्यादातर अपना उसमें। अलग अलग फील्ड्स के लिए डेस्कटॉप विद C++, ASP.NET, वेब एंड क्लाउड के जो हैं Azure, Node.js, देन मोबाइल एंड गेमिंग, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे
मोबाइल डेवलपमेंट गेम डेवलपमेंट देन अदर टूल्स वगैरह हैं, सब देख सकते हैं आप लिनक्स डेवलपमेंट में, C++। सो ये अलग अलग टूल, अब आप देख सकते हैं कि हमारा विजुअल स्टूडियो हमारा कितना बड़ा हमारा एक टूल है। हम इन सबको डाउनलोड कर सकते हैं अपने पास टिक करके इनको इस तरीके से। अब जैसे आप देख सकते हैं कि काफ़ी बहुत ही ब्रॉड टूल है, काफ़ी हैवी टूल है देखा जाए हमारा विजुअल स्टूडियो, काफ़ी जिसे इस पर हम कर सकते हैं अलग अलग फील्ड से जो है हम काम इस पर हम कर सकते हैं। सो डॉट नेट इसमें C++ है देन फिर सो मैं इसमें से टू एक टिक करूँगा, सब टिक करूँगा उसे आप देखिए कि 15.43 GB का हमारा हो चुका है। मैं इन दोनों को टिक किया है, इसके कुछ इंडिविजुअल भी हैं कंपोनेंट्स, आप इंडिविजुअल करना चाहते हैं इंडिविजुअल कर सकते हैं, ऐसे डॉट नेट ऐसे टिक करके इसमें से ये भी आप कर सकते हैं। सो आपकी मर्ज़ी है, जिस तरह आप यूज़ करना चाहें आप उसको यूज़ कर सकते हैं। मैं रिमूव करूँगा सब, जब वहाँ से जब इनको मैं इंस्टॉल करूँगा। सो विजुअल स्टूडियो प्रोफेशनल जो मैंने किया इस तरीके से हम देख सकते हैं, अब हमारी विंडो ओपन हो चुकी है। अब हम कोई से भी एक टूल का हम डाउनलोड करते हैं। सो मैं यूनिवर्सल विंडोज़ प्लेटफॉर्म डेवलपमेंट को मैं इस तरीके से सिलेक्ट करके मैं इसको इंस्टॉल करूँगा। टोटल स्पेस जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे 15.43 GB है। फिर मैंने इन दोनों को मैंने सेलेक्ट किया है, डॉट नेट डेस्कटॉप डेवलपमेंट डेस्कटॉप एनवायरनमेंट। अब इसको आप इस तरीके से इंस्टॉल करें, अब जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे इंस्टॉल अभी स्टार्ट होगा। ये काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग टूल है, काफ़ी टाइम लगेगा आपको इंस्टॉल होने में। 1.97 GB का टोटल है ये 10.5 MB। सो मैं अपनी वीडियो यहाँ पॉज करूँगा। सो जब ये हमारा इंस्टॉल हो जाएगा हमारा विजुअल स्टूडियो प्रोफेशनल 2017 सो होने वाला होगा, तो वहीं से यानी कि कंप्लीट होने वाला होगा हमारा इंस्टॉलेशन। सो मैं वहीं से अपनी वीडियो फिर रिज्यूम करूँगा। सो फ्रेंड जैसे कि आप देख सकते हैं ये 25% अभी तक कंप्लीट हुआ है, इसको मोर देन 1 आवर लगेंगे, मतलब ये कि तकरीबन ये 1 से 2 घंटे का ये तकरीबन ये इंस्टॉलर है हमारा जो विजुअल स्टूडियो का जो है हमारा जो सॉफ्टवेयर, तकरीबन ये 1 से 2 घंटे लेगा इंस्टॉल होने में, क्योंकि हम ये इंस्टॉलर से हम इंस्टॉल कर रहे हैं यानी कि हम लोग नेट से डायरेक्ट जो है हम लोग इंस्टॉल कर रहे हैं तो थोड़ा टाइम लेगा। सो आपको और वेट करना पड़ेगा। सो फ्रेंड जैसे कि आप देख सकते हैं कि अभी 65% अभी तक कंप्लीट हुआ है, इसको और थोड़ा टाइम लगेगा इंस्टॉल होने में, सो हमें और वेट करना पड़ेगा। सो फ्रेंड जैसे कि आप देख सकते हैं हमारा 94% हमारा कंप्लीट हो चुका है, एंड हमारे जो पैकेजेस जो हैं 277 ऑफ 366 जो हमारे अभी तक इंस्टॉल हो चुकी हैं, यानी कि 83% हमारे अभी इंस्टॉल हो चुके हैं। एंड हमारा जो विजुअल स्टूडियो है प्रोफेशनल 2017 ये भी डाउनलोड होने वाला है, सब तो इंस्टॉल होगा, इसकी कंपोनेंट्स जो हैं डाउनलोड हो रहे हैं इस तरीके से ऐसे देख सकते हैं, और ये इंस्टॉलिंग हो रहा है। 94% अभी तक हमारा हो चुका है कंप्लीट डाउनलोडिंग। सो फ्रेंड्स जैसे कि आप देख सकते हैं कि 96% हमारा 100 हो गया है, कंप्लीट हो गया हमारा डाउनलोडिंग जो हमारी होगी 100%। अब हमारे पैकेजेस जो हैं 346 आउट ऑफ 366 इंस्टॉल हुए हैं अभी तक, तो ये थोड़ा टाइम और लेगा कंप्लीट होने में। 95% हमारे पैकेज, अब 97% पैकेजेस जो है हमारे वो अभी तक इंस्टॉल हो चुके हैं, इसने अभी तक 1.5 आवर टाइम लिया है। थ्री फिफ्टी थ्री आउट ऑफ 366 हमारे पैकेजेस जो हैं वो अभी तक इंस्टॉल हो चुके हैं।
99% हमारे जो हैं पैकेजेस वो इंस्टॉल हो चुके हैं, 364%। जैसे कि आप देख सकते हैं कि अब कंप्लीट होने वाला है, 99% हमारा हो चुका है एंड 364 आउट ऑफ 360 हमारे जो पैकेज हैं वो इंस्टॉल हो चुके हैं हमारे विजुअल स्टूडियो के। सो ये टिक मैंने किया हुआ था, बिल्ट इन टिक हुआ हुआ था बल्कि स्टार्ट आफ्टर इंस्टॉलेशन। थोड़ा और टाइम लेगा इंस्टॉल होने में। फ्रेंड जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हमारा जो विजुअल स्टूडियो का जो हमारा टूल है वो तो बहुत हैवी टूल है। इसमें आप अलग अलग फील्ड्स, गेमिंग की अलग है, दैन फिर एंड्रॉयड मोबाइल वगैरह उसकी अलग है, दैन फिर अलग अलग टूल्स हैं विजुअल स्टूडियो में। जैसे कि आप देख सकते हैं कि हमारा विजुअल स्टूडियो 2017 जो है वो अब लॉन्च हो रहा है। साइन इन कर सकते हैं अपने अकाउंट से, तो मैं नॉट नाउ करूँगा। तो हम अपना दे सकते हैं अपना कलर वगैरह जो भी आप देना चाहें, कोई भी आप दे सकते हैं इनमें से। मैंने डार्क करके स्टार्ट विजुअल स्टूडियो, इस तरीके से हमारा जो विजुअल स्टूडियो जो है हमारा जो है वो लॉन्च होने जा रहा है। सो फ्रेंड्स विजुअल स्टूडियो का जो हमारा टूल है काफ़ी टाइम लेगा इंस्टॉल होने में। तो जैसे कि आप देख सकते हैं हमारे विजुअल स्टूडियो का जो टूल है हमारा डाउनलोड एंड इंस्टॉल हो चुका है, ये हमारा टूल है। इस तरीके से हम न्यू प्रोजेक्ट में जाकर कि हम फर्स्ट टाइम यूज़र्स हैं। सो आपका कोई सा भी आपका जो है प्रोग्राम जिस आपने बनाना है सी शार्प में कंसोल एप्लीकेशन, याद रहे फ्रेंड्स कि हम लोगों ने जो वहाँ से हम लोगों ने जो टूल जैसे कि मैंने आपको बताया था इतने सारे, यानी कि गेमिंग का हमारा अलग था, डेस्कटॉप एप्लीकेशंस का अलग था, विंडोज़ आईओएस का अलग था, जो हम लोगों ने मैंने आपको शुरू में जब साइट में जब लेके गया था मैंने आपको बताया था कि अलग अलग फील्ड्स हैं। सो आप अपनी फील्ड्स के हिसाब से आप कोई भी टूल आप देख सकते हैं, आप इंस्टॉल कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। सो प्रोसेस यही होगा सबका। इस तरीके से हम अपने न्यू प्रोजेक्ट को रन करेंगे। फर्स्ट टाइम है तो थोड़ा टाइम लेगा, जैसे कि आप देख सकते हैं हमारा जो है ये स्टार्ट हमारा हो चुका है। सो फ्रेंड्स ये तो था आज का हमारा कंटेंट। आज हमने आपको विजुअल स्टूडियो को डाउनलोड एंड इंस्टॉल करना सिखाया। उम्मीद करते हैं कि आज का कंटेंट जो है वो आपको समझ आया होगा। किसी भी किस्म की क्वेरी हो तो हमसे ज़रूर पूछिएगा, हम आपको आंसर करेंगे। सो फ्रेंड्स हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए एंड जितना हो सके आगे शेयर करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम नए कंटेंट के साथ आप लोगों के लिए आएंगे। सो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, गुड बाय, हैव अ नाइस डे।